16वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 दुनिया के 190 से अधिक देशों के खिलाड़ी अपने दमदार प्रदर्शन से अलग पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये मंच है उन्हें दुनिया भर को ये दिखाने का कि सफर भले ही कठिन रहा, राह में तमाम चुनौतियां भी रहीं, लेकिन अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के सहारे उन्होंने अपने सपने को साकार कर एक उदाहरण पेश किया है। स्पेशल ओलंपिक मानसिक रूप से विशेष लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सभी बच्चों को खुश रखना होता है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 7 से 11 जून तक तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था। स्पेशल ओलंपिक भारत के ट्रैक एंड फील्ड के हेड कोच अरविंद कुमार भट्ट टीम इंडिया की तैयारियों से खुश हैं। हमने अभी तक 4 ट्रेनिंग कैंप किए हुए हैं और बहुत ही अच्छा सा ट्रेनिंग किया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम 80% तक मेडल आराम से खींच लेंगे और एथलीट भी बहुत एक्साइटेड है, हम भी बहुत खुश हैं। पहले हम अगले समय में अगर देखें तो डिसेबल का जो ओलंपिक्स होता था उसमें इतना कुछ नहीं होता था, लेकिन हम ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक्स और अब स्पेशल ओलंपिक्स में भी साई बहुत कुछ सपोर्ट कर रही है। सभी एथलीट का वीज़ा से लेकर ट्रेनिंग कैंप तक का खर्चा भी एथलीट का और कोचिस का और सभी डेलीगेशन का वो पहले से ध्यान देती है, तो हम गवर्नमेंट की ओर से भी बहुत खुश है। अभी उसका भी सपोर्ट अच्छा सा मिल जाता है। जब भी हम उसको प्राइमरी बेस पे खिलाते हैं तब उसका एक हमें अंदाजा आ जाता है कि वो ये इतना तक जाएगा, और वैसे ही ओलंपिक्स का हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक से चल रहा है अभी, तो बाद में स्टेट लेवल आएगा तो खिलाड़ी अपने आप ऊपर आ जाता है, और बाद में जो शॉर्ट आउट होते हैं उन खिलाड़ियों में से हम ट्रेनिंग दे देकर आगे शॉर्ट आउट करते हैं, तो जो बेस्ट है वही यहाँ तक आता है। सिर्फ हमें स्पोर्ट्स के अलावा और भी थोड़ी बहुत बातें संभालनी पड़ती हैं, जैसे कि आपने बोला फिजियो, हमारे साथ अभी एक डॉक्टर आए हैं, फिर भी छोटा मोटा बहुत फिजियो होते तो हमारे साथ किट रहती, वो भी हम संभाल लेते हैं। अभी मैंने बात किया ऐसे सेल्फ केयर, मान लो कि उसकी पेरेंट्स की भूमिका कभी कभी निभा लेते हैं, तो ये सब कोऑर्डिनेट हो सकता है। एथलीट का जैसे ही कोच का ही ऐसे ही चयन होता है कि जो प्री कैंप में बच्चों के साथ एथलीट के साथ कैसे रहता है, उसको कैसे संभाल सकता है, उसके हिसाब से भी उसका भी सिलेक्शन होता है। एज ए मैं इंडियन कोच एथलेटिक्स के मेरे साथ 16 8 मेल और 8 फीमेल स्पेशल एथलीट है, तो उसमें मान लो कि मेरे साथ तमिलनाडु के खिलाड़ी भी हैं, तो मुझे तमिल नहीं आती, लेकिन पहले जो 4 कैंप किया है उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा जेस्चरल यानी कि हाव भाव से या तो कुछ लिख के या तो अभी गूगल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बोलूँगा इंग्लिश में उसका कन्वर्ट हो जाएगा तमिल में, तो हम तरीका ढूंढ निकालते हैं और अच्छे से उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इतना बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है अभी। बर्लिन खेलों के सहारे इन विशेष खिलाड़ियों को समाज में खास पहचान दिलाना भी एक उद्देश्य है। एक्चुअली स्पेशल ओलंपिक का मिशन तो यही है कि एथलीट यहाँ तक आए, इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करे और सोसाइटी में ऐसी तरह जिए, सभी के साथ मिलजुल जाए, और स्पेशल ओलंपिक का गोल भी यही है कि थ्रू आउट ईयर उसको ओलंपिक टाइप एक्टिविटी मिलती रहे। तो जब से स्पेशल ओलंपिक शुरू हुआ है उसका मिशन तहीं से शुरू हो गया है और बहुत कुछ पा लिया है और पाना अभी बाकी भी है। जो भी खिलाड़ी बचे हम आप मान लो कि डेलीगेशन हर साल, हर 4 साल में जो 2 साल में विंटर 2 साल बाद समर आता है, तो डेलीगेशन हमारा बढ़ता ही जा रहा है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो मिशन बहुत कुछ हासिल भी कर लिया है और अभी बाकी भी है। मैंने अभी आपको बोला कि स्पेशल ओलंपिक का मिशन ही यही है कि बच्चों का सोशलाइजेशन हो। अभी कल देखे तो कल ओपनिंग सेरेमनी हुआ जो जैसे कि नॉर्मल में होता है, तो बच्चों ने बहुत शेयरिंग किया, एक दूसरे के साथ पिन एक्सचेंज किया, सभी देशों के साथ पूरा पिन लगा रखा है, अभी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, फूड भी शेयर करते हैं, नाश्ते सुबह में ब्रेकफास्ट डिनर सब जगह मिलते हैं, तो लगता ही नहीं कि वो कोई अलग कंट्री से आया है।
और वही स्पेशल ओलंपिक का असली मकसद है खेल के अलावा। इन खेलों में जिन खिलाड़ियों से बहुत उम्मीद है उनमें गजेंद्र प्रमुख हैं। 19 साल के शॉट पुटर और धावक गजेंद्र ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भाग लेने वाले पहले भारतीय हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत के एथलेटिक्स कोच संदीप कुमार को विश्वास है कि कई स्पर्धाओं में ये खिलाड़ी नया कीर्तिमान बनाएंगे। ये जैसे कह सकते हैं इन लोग का जो टैलेंट है उनको निखारने के लिए सबसे बड़ा मंच है। जैसे आपको पता होगा पैरालंपिक्स होता है, डेफ ओलंपिक्स होता है, तो जो इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड एथलीट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ा खेल महोत्सव ओलंपिक्स है इन लोगों के लिए, स्पेशल ओलंपिक्स। और यहाँ पे जब ये बच्चे आते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है और एक समाज में इनका भी एक वैल्यू होता है, इनको भी लगता है कि हम भी कुछ कर पा रहे हैं, तो इस तरह का एक क्रिएट होता है। और इनके इनको अपने भी ऐसा लगता है ना कि ये लोग दौड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं, तो इनमें एक सेंस का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो बहुत कुछ इसमें इन लोगों का मतलब डेवलपमेंट होता है। जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं वो या तो छुपा के रखे हुए या इनको घर से, कभी कभी आप देखते होंगे कि कई बच्चों को तो जंजीर में बांध के रखते हैं, अभी वो जंजीर टूट चुका है और स्पेशल ओलंपिक्स सब जगह बढ़ चुका है और ये एक मैसेज भी जा चुका है पूरा ग्लोबली कि ये लोग भी एथलीट कूद सकते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं अभी जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, जैसे आपको पता होगा ऑटिज्म अभी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, डाउन सिंड्रोम एथलीट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन लोग के पेरेंट्स हम लोग को लेके आते हैं और जब ये थोड़ा सा भी ये कुछ कर पाते जो घर में नहीं कर पाते थे अपने डेली लिविंग का भी, स्पोर्ट्स एक माध्यम है कि ये लोग का जो डेली लिविंग का जो काम होता है, जैसे कि अपने से शर्ट वर्ट पहन लेना, अपने से तैयार हो जाना, टाइम पे उठ जाना जाना, तो ये एक सेंस डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे ये स्पोर्ट्स से इनमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। मैं बता दूं कि हम मेरा एक एकेडमी है, मैं खुद भी जिमनास्टिक्स का नेशनल प्लेयर रह चुका हूं और वहां पे मैं एक्चुअली जिमनास्टिक जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको सिखाता, जो मेन स्ट्रीमिंग के बच्चे हैं, लेकिन अब मैं इन लोगों को भी ट्रेनिंग देता हूं। तो डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है कि सबसे पहले तो बीइंग अ कोच आपको बहुत पेशेंस रखना होता है क्योंकि ये एक बार में नहीं सीखते हैं, आपको बार 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 कहना पड़ता है और लगातार, कभी कभी हमको सिर्फ एक जंप सिखाने में, एक जंप मतलब एक स्टेयर पे एक जंप सिखाने में दो दो साल लग जाता है किसी एथलीट को, लेकिन हम लोग उसको वो नहीं छोड़ते, हम लोग अपना मतलब वो कहते हैं कि ज़िद्द है और उसको रखते हैं और वो बाद में जाकर सीख जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और बताएंगे एक ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग कोई कमांड इन लोग को देते हैं तो वो बस उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, इनका दिमाग कहीं और नहीं जाता है, तो करते करते जो स्किल है वो स्किल में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाता है इनका और ये बहुत बढ़िया करते हैं। कभी कभी हमारे एथलीट्स जो नेशनल रिकॉर्ड से वहाँ तक पहुँचे हुए हैं 100 मीटर्स ये सब में। स्पेशल ओलंपिक्स का अलग से इन लोगों का ट्रेनिंग होता है, कोचेस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एडवांस कोचेस ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो जितने भी हमारे जो स्टाफ होते हैं हम लोग पहले उनको ट्रेन कराते हैं, यहाँ से हम लोग जैसे कम्युनिटी लेवल का कोचेस बनता है, फिर स्टेट लेवल होता है, फिर नेशनल लेवल, फिर नेशनल ट्रेनर होता है, तो ऐसे हम लोग उनको पहले ट्रेन करवाते हैं तब, क्योंकि हर कोई इन लोगों को हैंडल नहीं कर सकता है। कभी कभी एथलीट्स को बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बहुत आक्रामक हो जाते हैं और वो बाहर बैठते, तो उनको पेशेंस रखना होता है, उनको उस तरह से ट्रीटमेंट देना होता है, जो उसका एक ट्रेनिंग होता है जिसको हम लोग उसको पहले करवाते हैं इन लोगों को। सरकार अभी बहुत सपोर्ट कर रही है हम लोगों को, ये इसमें कोई मत नहीं है, लेकिन जैसे अलग स्पोर्ट्स है, जैसे पैरालंपिक्स है वो भी दिव्यांगजनों का स्पोर्ट्स है, उसमें जो सपोर्ट मिलता है और इसमें थोड़ा हट के है कि मतलब थोड़ा कम इन लोगों को लगता है कि स्पेशल ओलंपिक्स है ये लोग जा रहे हैं और मेडल लेके चले आते हैं और बहुत सारा मेडल आ जाता है, जैसे डिविजनिंग प्रोसेस है तो उसमें, लेकिन इसमें एथलीट का ये है कि अगर वो एक बार जाते हैं तो उनको दोबारा मौका नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी मतलब सरकार को चाहिए कि ट्रेनिंग दे और मतलब सामान्य, जैसे आपको पता है ना कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है हम लोग के इंडिया में 2016 का, जिसमें कहता है कि समानता का अधिकार है उनका, एक सेक्शन है सेक्शन 3, तो उस तरह इनको भी ट्रीट किया जाए जैसे अन्य स्पोर्ट्स को देते हैं, उनको भी दे अभी, लेकिन बहुत सपोर्ट है, भले इस बार जो हमारा टीम आया है फुल फ्लेज के साथ आया और मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि एक ग्लोबल मैसेज जा रहा है, एथलीट के साथ बहुत सारे फैमिलीज जुड़े हैं, फैमिलीज़ के साथ बहुत सारे निगेटिव मिथ्स भी है, जो ये लोग उनके अलग जो उनके घर वाले के जो पड़ोसी है वो भी सोचते हैं कि कुछ नहीं कर पाता है, जब ये जीतते हैं ना तो जब जाते हैं तो वो एक माहौल बनता है और उनको भी पता चलता है नहीं ये बच्चा कुछ कर सकता है, और भी लोग आगे आ रहे हैं और अपने अपने एथलीट्स को इनरोल कर रहे हैं कि हम वो स्पेशल ओलंपिक्स में आए और काम अपना नाम रोशन कर सकें। इन खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है, टीम की तैयारी अच्छी है और गेम प्लान के हिसाब से तालमेल भी बेहतर नजर आ रहा है। The first of all, the
the what they have practiced is from the first preparatory camp, from second preparatory camp in Jharkhand, and third and fourth in Delhi. We are mostly encouraging them. We are looking at their strong points, what they are good in. We see about the different aspects of game. We try to give them help in technical and tactical aspects of this game, and we encourage them. This is a one-time opportunity where the athletes are participating. Yesterday was very wonderful ceremony, opening ceremony, where they have enjoyed. They have got this fantastic outfield. It is very important to other people also to know. The difference is that the athletes which we have to make them understand. It will take little more time, but we should make them understand about the aspects of game. We should get their good points, what they are good in. We have to encourage in what they are good in, and what they are a little bit lacking behind, we have to train it. It is not that hard, but it is by will, by blessing from God, everything is possible, and our athletes are making it possible. I teach in a special school where in Goa we have a school, and there we interact with our own same abilities, special with IQ below 70. And when we have this interaction throughout a year, because we are in that field in the special school, when we come to the athletes come near me, the special athletes in the national camp, it is equal, it is similar. We understand their limitations. We understand the aspects. Our seniors in Goa, Sir Victor Vaz, help us in guiding each and every coach to give his best. In Goa, we had a camp where the coaches and the athletes were called much before the camp, national camp, and we were told the importance of the how to handle athletes. And in national, when there are many leaders who are there, who are looking up towards, they are guiding us and supporting us. They're very important in supporting us. That then, when they support us, automatically the fruit comes as we play good. They support the athletes, they support the coaches, and the facilities were provided. Automatically, everything comes in a good way. When we were in Jharkhand, and when we were in Gujarat, when we were in Delhi, the facilities were awesome. They helped us with aspects of ground. When I'm saying ground, the grounds were good. The main thing for a player to be developed is the outfield. If you give the outfield good support and the stay, automatically you get the results. So in every country, if you see, they have a good facilities, and as per the facilities, the athletes, the parents send their children to play. It's the same way with the special students. When there is facilities, parents will encourage their children to go and play. They want them to do well as all the Indians want every sports, the team to do well. And as fans that the country is supported by the government, supporting the teams, the special Bharat in every way, the medals will come. It will be good for the country as a whole. विशेष खिलाड़ियों के लिए खास तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है. स्पेशल ओलंपिक भारत ने इन चीजों का बखूबी ध्यान रखा है. जो स्पेशल ओलंपिक्स मूवमेंट है वो इन एथलीट्स का पूरा जो जिंदगी एक लाइफ चेंजिंग के तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे, जैसे अभी आप जो एथलेटिक्स में अभी गजेंद्र पार्टिसिपेट करने वाला, एक छोटे से जगह, ये पटना से है, एक छोटे वहाँ छोटे से वहाँ के जगह से है, और जब ये बिल्कुल भी ये नहीं था, जब से ये स्पेशल ओलंपिक्स में आया है इसका सारा जो सब कुछ चेंज हो गया, और आज ऐसा हो गया है कि ये छोटे से जगह से आके बर्लिन में वर्ल्ड गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है. ये बहुत बड़ी बात है. और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो छोटे छोटे जगह से आए हैं, जो कुछ स्वीपर के भी बच्चे हैं जिनको स्पेशल ओलंपिक्स ने ढूंढा है, उनको प्रैक्टिस करवाया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेके आए हैं. बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो पहली बार बैठ रहे हैं फ्लाइट में,
और पहली बार ऐसा आ रहे हैं और लाइफ चेंजिंग उनके लिए एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज कुछ एथलीट्स ऐसे होते थे जो बिल्कुल बोल नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे. आज के डेट में वो पूरा बोल भी पाते हैं और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि गोल्फ जैसे इवेंट में भी स्पेशल ओलंपिक्स भारत पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बहुत बहुत सपोर्ट कर रहा है. इनफैक्ट एंड ऑफ सेरेमनी में भी मिनिस्टर साहब खुद आए थे और बहुत प्रोत्साहित किया है इन एथलीट्स को, और बहुत जगह पे अब इनके लिए अलग से, जैसे मैं भी एक एथलीट हूँ, हमें सालों भर प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेनिंग सेशन के लिए अलग अलग स्टेडियम्स मिलता था, इनके लिए वो चीज़ें नहीं थी. अब इनके लिए सेंटर्स खोला जा रहा है अलग अलग जगह पे, जहाँ पे वो स्पेशल ओलंपिक्स खोल रहा है, जहाँ पे अलग अलग जगह पे जाके ट्रेनिंग साल भर, जैसे हम एथलीट्स जो रेगुलर में करते हैं, इनको भी वो ट्रेनिंग का मौका मिल पाएगा. और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, साई ने बहुत सपोर्ट किया है इनका, जो ये बर्लिन आए हैं अभी वर्ल्ड गेम्स के लिए, जो सारा खर्चा है इनका वो गवर्नमेंट ने बेयर किया है, और जो चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप किया है वो उन्होंने ही किया है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है हमारे एथलीट्स को उससे. इसको समाज में जागृति होना चाहिए, जो इंडिया के बच्चे लोग हैं समाज के एकदम बिछड़े हुए, उनको ज़्यादा आम पब्लिक को मालूम ही नहीं है उसके बारे में. तो जो मूवमेंट चले बहुत तेज चले, बहुत अच्छे चले है मूवमेंट, कि अभी जन जागृति हुए, सोशल मीडिया में सब आ रहे हैं, सब अभी ध्यान रहे कि आईडी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कैसे करके. साई अथॉरिटी और स्पेशल ओलंपिक और मोदी जी का बहुत 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 बड़ा सपोर्ट है, उनकी वजह से सब जो है ना प्रसिद्धि सब मिल रही है. बहुत बहुत सारी हेल्प दे एथलीट से सिवा उनके जो घर वाले परिजन हैं, उनको तो बहुत बड़ा हौसला बढ़ गया है, उनको बहुत उम्मीद लग रही है कि मेरे बच्चे नॉर्मल बच्चे से भी अच्छे हैं. खिलाड़ियों के लिए यहाँ तक का सफर मुश्किलों भरा रहा है. इन चुनौतियों से पार पाने में भारत सरकार ने सराहनीय भूमिका निभाई है. हमको सर बहुत अच्छा मदद करते हैं सर लोग, स्पेशल जो ऑफिस है सर, उन लोगों ने बहुत फैसिलिटी दिया हम लोगों को, अच्छे से प्रैक्टिस सेशन दिया, कैंप भी किया, गांव से आके हमको उधर से फ्लाइट में लेके आते थे दिल्ली में, कैंप गुजरात में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, बोकारो में हुआ है, उधर से सर बहुत अच्छा फैसिलिटी मिला है हम लोगों को सर. अभी कोचिस भी बहुत अच्छा है, हमको रहने खाना बहुत अच्छा मिलता है सर, और टीम भी गुड सर. हम लोगों को सर बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत सपोर्ट करता है सब, सबसे ऊपर से सरकार भी बहुत सपोर्ट करता है, स्पेशल भारत भी बहुत सपोर्ट करता है हम लोगों को. हमको इतना बहुत अच्छा अच्छा होटल में रहने का सुविधा मिला है, हम कभी ऐसा सुविधा नहीं मिला है हमको. अभी खाना अच्छा मिलता है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छा है हमारा. हम गोल्ड लेके ही जाएंगे इंडिया को, इधर से जर्मनी से बर्लिन से इंडिया को गोल्ड लेके जाएंगे हम लोग. मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया हूँ. मेरा नाम वैष्णव राजपुरिया है, गोल्ड मेडल तीनों आएगा. मैं मिनी ट्रेवलिंग शॉर्ट फुट और रिले रेसर, यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश. स्पेशल ओलंपिक एक अवसर है अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से दुनिया भर में छा जाने का. ये एक मंच है इन विशेष खिलाड़ियों के लिए ये संदेश देने का कि मुश्किलों के बीच इन्होंने बिखरना नहीं, निखरना सीखा है. उम्मीद है कि जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ेंगे, ये प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी को मुक्त कर देंगे.